नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत में हर दिन तंबाकू से हो रही करीब 4000 मौतें, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा WHO का कहना है। जी हां, तंबाकू के सेवन और उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। इससे न केवल जानमाल का नुकसान होता है बल्कि भारी सामाजिक और आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। तंबाकू एक महामारी की तरह है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू के सेवन से दुनिया भर में हर साल 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं। इनमें 13 लाख लोग ऐसे भी शामिल होते हैं जिन्होंने तंबाकू का सेवन तो नहीं किया मगर वह धुएं के जरिए ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, यानी कि हर 24 सेकंड में एक मौत, हर 2 मिनट में 5, हर घंटे में 154 और हर दिन 3699 लोगों की मौत भारत में तंबाकू सेवन से हो जाती है। तंबाकू के सेवन से केवल मुंह का कैंसर नहीं बल्कि हार्ट अटैक, फेफड़ों का सड़ना, डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। भारत में लगभग 27 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं, जिससे हर साल 13 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वी एक्सपर्ट न्यूज।